साथियों नमस्कार, सतना स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश प्यासी। देखकर अच्छा लगा कि सतना के महापौर योगेश ताम्रकार ने बरसात के पहले की तैयारियों की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया में साझा की। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि जनता को सहूलियत और सुविधाएं नहीं देना चाहते हैं, बल्कि देखा जाए तो उनके विचार हमेशा जनहित के लिए प्रेरित रहे हैं। लेकिन उनके विचार और धरातल पर होने वाला कार्य, ये दोनों कहां बीच में फंस कर रह जाता है, ये जनता और नेता दोनों के लिए चिंता का विषय है। विगत दिनों पानी की सप्लाई का जो संकट हुआ, उसमें भी सतना के महापौर ने सोशल मीडिया पर आकर इस बात की अपील की कि पानी का सदुपयोग करें। नमस्कार, आप सभी शहरवासियों से मेरा एक आग्रह है। इस समय गर्मी अपने चरम सीमा पर है, नौतपा चल रहे हैं, गर्मी के कारण पानी की आवश्यकता लोगों की बढ़ी है। लेकिन मेरा आग्रह उन लोगों से है जो पानी को बर्बाद कर रहे हैं। मैंने कई जगहों पर देखा है, सार्वजनिक स्थान है वहां पर नल की टोंटी खोलकर हम उपयोग करते हैं, टोंटी बंद नहीं करते। हमारे घर की छतों पे टंकी भर जाती है, ओवरफ्लो होकर पानी बर्बाद होता रहता है, हम उसकी चिंता नहीं करते। लेकिन कभी आपने सोचा है जो पानी हम बर्बाद कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी लोग शहर में हैं, कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहां पर पानी नहीं पहुंच पा रहा है, हम उनके पीने का पानी का हक छीन रहे हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है, एक एक बूंद पानी की कीमत समझिए। किसी भी तरह का कोई पानी बर्बाद हो रहा है उसको रोकिए, रोकने के साथ साथ टोंकिए, टोंकने के साथ साथ लोगों को एजुकेट करिए कि पानी बर्बाद न करें। ये कोई एक व्यक्ति या शहर के 45 पार्षद मिलकर या महापौर मिलकर नहीं कर सकते। हम सभी लोग जब मिलकर प्रयास करेंगे, आप यकीन करिए, विश्वास करिए, सतना शहर में भारी गर्मी में भी कभी पानी की दिक्कत नहीं आने दूंगा। मेरा आपसे आग्रह है, पानी का उपयोग, हम घरों में पानी स्टोर करते हैं, आवश्यकता 2 ड्रम की है 4 ड्रम रख लेते हैं, 3 दिन बाद उसको बासी मानकर बहा देते हैं। इन सब छोटी छोटी बातों में अगर हम थोड़ा चिंता कर लेंगे, सुधार कर लेंगे, तो आप विश्वास करिए पानी की कमी नहीं आने पाएगी। मेरा पूरा प्रयास रहेगा शहर के किसी भी वार्ड के किसी भी घर में पीने के पानी की समस्या ना आने पाए। आपका सहयोग मिलेगा तो मैं इस प्रयास में सफल होऊंगा, यही आग्रह करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वहीं वार्ड नंबर 3 के पार्षद को पानी की किल्लत के चलते प्रदर्शन करना पड़ा। बात करें सतना में जगह जगह खुदी सड़कों की, तो सीवर लाइन के काम ने सतना को किसी गांव के बराबर ला खड़ा किया है। ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि यदि समय रहते सीवर लाइन के कार्य के लिए खोदी गई सड़कों की मरम्मत नहीं की गई तो लोग अपने घर तक नहीं पहुंच पाएंगे। जो तस्वीरें महापौर ने साझा की हैं वो देखने में वाकई में सुखद हैं। बात करें समस्याओं की, तो शहर में ऐसा कोई कोना नहीं है जहां की सड़कें खुदी ना हों। दर्जनों छोटे बड़े वाहन आए दिन उन सड़क में धंसते हुए हमारे सामने नजर आते हैं। महापौर की इच्छा शक्ति ने यह जताया है कि वो सब सारी सुविधाएं जनता को देना चाहते हैं, लेकिन ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या नगर निगम के कर्मचारी इन सब बातों के लिए बाधक बन रहे हैं, या कि विकास कार्यों की प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, या कि इसके लिए ठेकेदार जिम्मेदार है। जिम्मेदार कौन है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। खैर, हम यह उम्मीद करते हैं कि महापौर ने जो सुविधा देने का बीड़ा उठाया है, बरसात के पहले शहर की प्रत्येक सड़क जिसे सीवर लाइन कार्य के लिए खोदा गया है उसे मरम्मत करके दुरुस्त किया जा चुका हो, ताकि आने वाले समय में शहर की जनता को इन परेशानियों से छुटकारा मिल सके।